लॉ ऑफ अट्रैक्शन 6 महीने से यूज़ कर रहे, 1 साल से यूज़ कर रहे, 1.5 साल से यूज़ कर रहे, 2 साल से यूज़ कर रहे, मेरे लिए वो काम नहीं करता। अगर ये वीडियो तक आप पहुँचे हैं और आप ये कुछ सोचते हैं या अभी भी आपके अंदर ये डाउट है दैट आई एम नॉट श्योर दैट वेदर दिस थिंग वर्क्स और नॉट, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा साइंटिफिक, स्पिरिचुअल, मॉरल, आप जो भी पर्सपेक्टिव बोले इसके ऊपर मैं शेयर करना चाहूँगी आज। स्वागत है आपका डिवाइन देसी काउंसलर चैनल में। हम 1-to-1 एलओए कोचिंग, टैरोट कार्ड रीडिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के सर्विसेज देते हैं। हमारी सभी सेवाओं के लिए आप सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर हमसे रीच आउट कर सकते हैं। ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक है, अगर आप चाहे तो वहाँ पे आके उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एलओए के एक्सप्लेनेशन के, सक्सेस स्टोरीज के, मेडिटेशन के, अफर्मेशन के बहुत सारे वीडियोस हैं। अगर आप यहाँ पे नए हैं और चाहे तो प्लीज़ उसको भी वॉच कर सकते हैं। अब बात ये है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं करता मैडम। आप वीडियो बनाती रहती है, बहुत सारे वीडियोज़ हम देखते हैं, हम टेक्निक्स भी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो काम नहीं किया। See, whoever thinks like that, I understand you completely, I get you. और अगर आपको doubts भी है तो it's completely valid. आपके पास अपने reasons है, आपके पास proof है मुझे दिखाने के लिए कि देखिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, मैंने ये technique की, मैंने ये सारी चीज़ें की है, but it doesn't work. I understand. But just open up your mind a bit. और मेरी बात शांति से सुनिए। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, टेक्निक्स को छोड़ दीजिए, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, मुझे ये बताइए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता क्या है। आसान सी भाषा के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जो जैसा है वो वैसी चीज़ें अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। या तो फिर जहाँ पे भी आप पॉजिटिव फोकस करते हो, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, हम उसको अपनी लाइफ के अंदर उसको ट्रिगर करके अट्रैक्ट करते हैं। ये एक सिंपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये साइंस है, ओके। इट रियली वर्क्स। अब आप तक ये कुदरत ने, ब्रह्मांड ने, ईश्वर ने क्यों पहुंचाया है ये संदेश कि कहीं ना कहीं आपको जीवन के अंदर जरूरत थी अपनी सोच बदलने की। अब यहाँ पे मेन बात आती है इस वीडियो की, जो इंसान मच्योर है वही इसको सुनेंगे और प्लीज समझने की कोशिश करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए नहीं आया कि आपके जीवन के अंदर आपके लवर आए, आपकी आपको वो जॉब मिल जाए, ये मिल जाए। बाहर की सारी चीजें तो सेकेंडरी है, वो मिलनी ही है, लेकिन सबसे पहले ये कायदा आपके लिए इसलिए आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने विचारों पे काम करने की ज़रूरत है। आप शांति से बैठ के सोचेंगे तो यू विल रियलाइज दैट, ये मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में होने वाली हर घटना को आपने आकर्षित किया। कहीं ना कहीं आप नेगेटिव थे उस एरिया के अंदर, कहीं ना कहीं आपके अंदर हीन भावनाएं थी जिसने उस नेगेटिव चीज को ट्रिगर किया, ठीक है। अब क्या है क्रक्स, क्या है इसका, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ क्रक्स क्या है, लुईस हे बोलते हैं स्टार्ट बाय चेंजिंग योर थॉट्स एंड एंड अप बाय चेंजिंग योर लाइफ। अपने विचारों को बदलना शुरू कीजिए और इसी से जीवन बदल जाएगा। ये इतना सिंपल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। कब नहीं करता, जब हम उसके कोर लेवल पे ही काम नहीं करते अपने विचारों को बदलने में। आपको पॉजिटिव अफर्मेशन देना है तो देना है, आपको ग्रैटिट्यूड देना है तो देना है, आपको पॉजिटिव रहना है तो रहना है, ठीक है। काम नहीं करता, आई अंडरस्टैंड, बहुत बार नहीं करता। अब इसके अंदर कौन सा फैक्टर है जी, यहाँ पे आती है बात आपके डेस्टिनी की
आपकी किस्मत की सेकंड, जिसको हम बोलते हैं हम सबकी किस्मत का सवाल है भाई, और थर्ड आपकी खुद के सिंसियर एफर्ट्स की। क्लास के अंदर दो बच्चे एक तरह की मेहनत कर रहे हैं, क्या जरूरी है उन दोनों को सेम रिजल्ट मिलेगा? देयर इज अ हिडन फैक्टर। मेरे क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, मैं सबको सेम ही पढ़ाती हूँ, ठीक है। उसमें से एक बच्चा है जो 99% स्कोर करेगा मेरे सब्जेक्ट में, एक बच्चा है जो 50% स्कोर करेगा। अब अल्टीमेट रिजल्ट क्या, पास तो दोनों ही माने जाएंगे। काम तो सबके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर ही रहा है, पर वो कितने परसेंटेज अचीव कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके अपनी लाइफ में, वो निर्भर करेगा उस व्यक्ति के खुद के एफर्ट्स के ऊपर। सेकंड, उसकी किस्मत के ऊपर कि भाई कौन से एग्जामिनर के हाथ में उनका पेपर आया, कितना पॉजिटिव उनका माइंडसेट था, किस फोकस के साथ। क्योंकि ये भी होता है कई बार के कुछ नहीं किया होता है और स्कोर अच्छा आ जाता है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे थे जो बहुत ही लिबरल थे ये वो, और कई बार 100% एफर्ट्स देने के बाद भी यू आपके मार्क्स कट जाते। तो ये जो किस्मत वाला फैक्टर है, अब इसको कैसे चेंज करें? अगर इसकी वजह से आपको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करता, तो उसका भी एक ही रास्ता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोलते हैं आप अपने विचार बदलिए। अगर वो चीज है कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर करने वाली है नेगेटिवली, स्टिल यू नीड टू हैव अ फेथ एंड पॉजिटिव माइंडसेट दैट थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट फॉर मी डियर, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि ये काम नहीं करता, ये काम करता है दोस्तों। हाँ, कई बार हर टाइम पे हमें जो चाहिए वो चीज नहीं मिलती, हर दिशा से वो चीज नहीं मिलती, पर मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ कि थोड़ा सा इसको मच्योर और स्ट्रॉन्ग माइंड के सेट के साथ बैठ के एनालाइज कीजिए कि क्या आपने कोई भी बदलाव महसूस नहीं किया, क्या आपकी लाइफस्टाइल पॉजिटिव नहीं हुई, क्या आपके विचारों में बदलाव नहीं आया, क्या आपके रिश्तों में सुधार नहीं आया, क्या आप अपने अंदर अब कंफर्टेबल नहीं हो गए जब आपको पता है कि आपके हाथ में एक तलवार है किस्मत बदलने की, कि आपकी सोच आपकी एनर्जीज को आप फोकस करके चीजें बदल सकते हैं। अब मैं ये बोलती हूँ, चलो ये तो सारे फैक्टर मैंने समझा दिए एग्जाम्पल देके कि एग्जाम का, एक क्लास के अंदर 50 बच्चे पढ़ रहे, टीचर सेम पढ़ा रहे, हर अपनी मेहनत के हिसाब से स्कोर करेगा। अब यहाँ पे अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, पास सब है, मतलब पास आप सब हो, काम आप सबके लिए कर रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। किसी को बटरफ्लाई या नंबर भी दिख रहा है तो वो भी आपका मैनिफेस्टेशन है। इवन इफ अगर आपको और कोई मैनिफेस्टेशन नहीं दिख रहा है, फिर भी आपने अपना अलाइनमेंट इस तरह से सेट कर दिया कि कुदरत को आपको जवाब देना पड़ा नंबर्स दिखा के कि हाँ जी आप अलाइनमेंट में है। ओके, अब सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात पे आती हूँ कि बहुत सारे लोग निराश होके छोड़ देना चाहते हैं, छोड़ देते हैं। मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकती किसी की सोच, पर एक चीज मेरी याद रखिएगा कि ये आपको बार बार ढूंढ के यहाँ पे लेके आएगा, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तक या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोई भी वीडियो तक। कुछ हुआ, आपने प्रैक्टिस किया, आपके लिए वो काम नहीं किया, एंड देन यू गिव अप, एंड इट इज अ रिपीटिंग साइकिल। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भगवान कुदरत यूनिवर्स आपको बार बार बोलेंगे। अभी 5 साल बाद आपको कोई और एक सपना आएगा, जैसे अभी किसी की शादी नहीं हुई है, शादी के लिए यूज कर रहे, हो गई फिर छोड़ दिया आपने, फिर बीबी के लिए, फिर नौकरी के लिए, फिर और कोई तकलीफ आ जाएगी ये वो, तो आपको बार बार वो ट्रिगर होता रहेगा कि क्या मैं इसको यूज करूँगा। और हर टाइम पे जब आप उसको 100% फोकस के साथ, पॉजिटिव एनर्जीज के साथ फोकस करके यूज करेंगे, तो वो आपको कुछ ना कुछ, मैं बोलती हूँ 98% लोगों को 100% रिजल्ट मिल ही जाता है सुनर और लेट। कुछ 2% जिनको नहीं दिखता कुछ भी, उनको भी कुछ ना कुछ तो चेंज दिखेगा अगर वो शांति से बैठ के सोचेंगे कि हाँ मैं एटलीस्ट उस टाइम पे पॉजिटिव तो रही, मैं एक नेगेटिव लूप होल में थी, आई चेंज्ड। ओके, सो दिस इज द थिंग।
अब मैं बहुत ज़्यादा इसको नहीं खींचना चाहूँगी, बट अगर आपको लगता है कि ये काम नहीं करता दोस्तों, तो इट रियली वर्क्स, इट इज़ वेरी साइंटिफिक, इट हैज़ वर्क फॉर मेनी पीपल, इट इज़ वर्किंग फॉर यू टू। और ये कोई बड़ा वो नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाहर से कुछ, इट इज़ जस्ट अबाउट चेंजिंग योर थॉट, इट इज़ जस्ट अबाउट कीपिंग योर माइंड सेट पॉजिटिव, अपना फोकस वहाँ पे लेके आना जहाँ पे जो चीज़ आपको चाहिए। जैसे ही आप बड़े होंगे, मेच्योर होंगे, आप ये जो हिडन फैक्टर है किस्मत का या एक बिगर पिक्चर का, ये आपके लिए वो बेहतर नहीं था जो आपको चाहिए था, वो सारी चीज़ें आपको खुद ही कुदरत गाइडेंस देके समझाना शुरू करेंगे। बट इनिशियली If it is not working and you are disheartened, so I really want to tell you that it works. Law of attraction is all about कि आप अपनी सोच बदले, आप shift करें अपना perspective lack से abundance की ओर। मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, वहाँ से जैसे ही आप gratitude zone में आएंगे, मेरे पास क्या है, क्या है, क्या है, अभी मैं बोल रही हूँ तभी एक वर्ड विल शिफ्ट योर वाइब्रेशन कि ये है, शरीर है। फ्रांस के एक डॉक्टर का वो किस्सा है कि वो बहुत सारे मरीज कहीं और जाते थे, ठीक नहीं हो जाते थे, इनके पास जाते थे ठीक हो जाते थे, इन्होंने अपने प्रैक्टिस के अंदर एक छोटा सा शिफ्ट लाया था, वो हर एक मरीज से ये बुलवाते थे मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, बस ये बोलिए। एंड उन्होंने इतना मिराकुलस चेंज उनके क्लिनिक के में आने वाले हर मरीज के अंदर देखा। क्यों मैं ठीक हो रहा हूँ? क्योंकि जो फिजिकल आपके इलनेस है उसके अंदर तो फिर आपके पास कोई वो ही नहीं है। इंसान पैसों की कमी की वजह से कि मेरा शरीर काम नहीं करता, इतनी तकलीफ हो रही है, पैसे खर्च हो रहे हैं, इतना नेगेटिव माइंडसेट के साथ आता है, वो सोच ही नहीं पाता है कुछ अच्छे। उन डॉक्टर ने बस यही किया कि उनसे बुलवाया कि मैं ठीक हो रहा हूँ। ये क्या करेगा, ये बाहर से बोलना, ये मन से सोचना क्या करेगा? उनको एक होप देगा। हम सब वो होप के मारे हैं दोस्तों, ठीक है? एक होप मिल जाती है, इंसान चेंज हो जाता है। वाटर अफर्मेशन वाले बहुत सारे वीडियोस आप देखते होंगे, तो डॉक्टर मसुरो इमोटो जापान के, अब भी आप जाके ये वीडियोस पॉज करके सर्व करी यूट्यूब के ऊपर, मसुरो इमोटो करके हैं डॉक्टर, उनकी रिसर्च क्या बोलती है कि पानी के ऊपर लव लिखिए और पानी के ऊपर हेट लिखिए। बहुत सारे राइस एक्सपेरिमेंट विथ लव एंड हेट वर्ड, ये भी कीवर्ड डाल के आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि राइस के डब्बे के ऊपर किसी ने लिखा लव तो वो 10 दिन तक खराब नहीं है, किसी ने लिखा हेट तो शब्द जो है, अफर्मेशन जो है, आपकी खुद की सोच, आप अपने अंदर क्या बोलते रहते हैं वो आपकी रियलिटी बनाता है। इतना सिंपल है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? तो इसको बाहर अगर कहीं पे कोई चीज आपको चाहिए वो नहीं मिल रही है, वो नहीं मैनिफेस्ट हो रहा है, जस्ट रिलैक्स, जस्ट नो दैट थिंग्स माइट टेक टाइम, और वो कहीं ना कहीं तो काम कर ही रहा है कि आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है। और आपको फोकस कहाँ करना है? आपकी सोच बदलने में दोस्तों। अगर आपको अपना जीवन बदलना है, यू नीड टू चेंज योर थॉट्स, इट कैन चेंज योर वर्ल्ड, एंड दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। ये नहीं काम करता, इट्स वेरी ईजी टू से एंड इट इज़ वेरी ईजी टू गिव अप। किस्मत, अगर ऐसा है कि हम खुद लिखते हैं और हम किस्मत के फैक्टर को नहीं गिव अप करेंगे, तो आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने किस्मत को भी हरा दिया, कुंडली को भी हरा दिया। तो फिर ये क्या है? क्या आप इतने स्ट्रांग हैं अंदर से कि यू आर रेडी टू शिफ्ट? और मैं अभी आपको कोई भी अफर्मेशन के पीछे दौड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेट मी बी वेरी क्लियर कि हाँ मुझे घर मिल ही जाएगा, मुझे नौकरी मिल ही जाएगी। मैं बस बोल रही हूँ कि स्ट्रांग हो जाइए ये मानने के लिए कि मैं अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए तो तैयार हूँ। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल मतलब है भाई कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब मैं जैसा सोचूंगी मेरी एनर्जीज जहाँ पे भी पॉजिटिवली फोकस होगी, जहाँ पे भी मैं पीस में रहूंगा, वहां पे मैं जीत गई, मैं जीत गया। उसके बाद बाहर का मैनिफेस्टेशन का कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, वो आ ही जाएगा 100%, बट उससे फर्क भी नहीं पड़ेगा। बिकॉज
अगर मुझे बताया गया है कि मेरा माइंडसेट ही मेरा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, देन व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। हमारे पास क्या चॉइस है दोस्तों, या तो हम सल्व करते रहे, एक जीवन की नैया में बैठ जाए और वो हमें जहाँ पे लेके जाए हम चलते रहे, या फिर वो बोलते हैं हाथ के अंदर उठाए झंडा कि हम कुछ कर सकते हैं, बाहर कुछ कर सकते हैं उसके पहले अंदर कुछ करें, एक शिफ्ट लाए, नहीं काम करता, नहीं समझ में आता, फाइन आई कैन रिलेट विथ यू, अंडरस्टैंड यू कम्प्लीटली। क्या थोड़ा सा शिफ्ट करने के लिए तैयार है? लेट मी गिव इट अ ट्राई। बाहर सब मैनिफेस्ट करने से अच्छा, टेक्निक करने से अच्छा, क्या मैं अंदर से अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस डेवलप करना स्टार्ट करूँ, सेल्फ लव करना स्टार्ट करूँ, ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट करूँ, पॉजिटिव रहना स्टार्ट करूँ? दैट्स इट, दैट्स वॉट इट इज ऑल अबाउट। इसके बाद सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर आपने ये पूरा वीडियो सुना, आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू। होप आपको कोई ना कोई बात ऐसी टच की होगी जो आपके लिए ज़रूरी थी अभी सुनना। थैंक यू सो मच।